हेलो ब्यूटी फेस्टिवल, देख लीजिए मैं अभी जा रहा हूँ बालूघाट से बरहमपुर। ठीक है, देखते रहिए मेरे साथ। ये रास्ता में ये बहुत सारा टोटो लगा हुआ है, मैं जा ही रहा हूँ, बोर हो गया हूँ। बस पे बैठे 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 अकेले जाना पड़ रहा है। दो तीन से दोस्त लोग होने से तो बहुत मजा आता है, यही नहीं क्या करूँ, अकेले जाना पड़ रहा है। गाइस जा ही रहा हूँ, बहुत सारा ये मतलब मालदा के आस पास है हम, यहाँ पर केरा केरा ये भुट्टा यानी कि मकाई मिंच यहाँ पर मिल रहा है, तो लगभग हम लोग मालदा के आस पास ही है। तो यहाँ पर आम। हाय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आ गया हूँ यहाँ पर मालदा में, और मालदा में मैं लंच के लिए आया हूँ। लंच टाइम बनता है और ये मेरे साथ रह गया है अभी लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी वहाँ पर वो आइसक्रीम दिख रहा है और मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट का व्यू निकल रहा हूँ, तो देखिए लक्ष्मी ने आइसक्रीम भी लेके दिया। ये है आइसक्रीम, अब आइसक्रीम खा रहे हैं हम। ये दिखते रहिए, ये लक्ष्मी दिखा रहा है। हे लक्ष्मी, वाओ बहुत अच्छा टेस्ट है, बनते रहे हम लोग खाते रहे। तो हो गया मेरा खाना पीना, अब मैं जाना चाहता हूँ लक्ष्मी से अलविदा लेके बरहमपुर। फिर से बस में बैठ लिया, बरहमपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैं निकल गया हूँ बरहमपुर, पर देखिए मालदा से निकल रहा हूँ तो बहुत सारा आम का पेड़ दिख रहा है। वाव, अभी मैं यानी कि परक का ब्रिज आ गया हूँ। वाव व्यू कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, वाव मन कर रहा है वहाँ पर जाऊँ, क्या करूँ बस में देख ही रहा हूँ। सीन वाव, देखिए देखिए बर्ड्स, बहुत सारा वहाँ पर बैठ गया मछली खाने के लिए। वाव वाव यार, ये तो चल रहा है, जो क्वालिटी की कैसा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, अच्छा सीन दिख रहा है मेरे को। वाव वाव, कितना अच्छा दिख रहा है, देखो जल भी इतना साफ दिख रहा है पानी। वाव, देखते रहिए, मैं तो देख ही रहा हूँ। वाव कितना मजा दिख रहा है, वो देखिए बोट बोट बोट, देखिए वहाँ पर मछली पकड़ रहा है और फिशिंग कर रहा है। देखिए 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 बोट, एक दो तीन, कितना है काउंट कर नहीं पाऊंगा मैं, तीन चार तो काउंट कर लिया, उसके बाद काउंट नहीं किया। एक दूसरा बोट देखिए, दूसरा बोट वहाँ पर वो जो स्पीड में है, हाँ देख रहे हो, दो बोट में एक स्पीड चल रहा है, और इधर साइड में भी आया एक स्पीड पे बोट। हाँ दिखाता हूँ आप लोग को बोट, ये सच फिशिंग कर रहा है। ठीक है, वो रहा वो रहा, और देखिए एक बड़ा बोट है, ये छोटा बोट है, बोट सारा मछली पकड़ रहा है यहाँ पर। हाँ सुना था यहाँ का इलिश माछ क्या क्या का माछ पकड़ता है, सर वही होगा यहीं से माछ पकड़ने वाले, यही होगा ये बोट। हाँ 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 सच में हाँ पकड़ रहा है, पकड़ रहा है वो बोट।
इतना स्पीड में, वाओ कितना अच्छा लग रहा है देखने में नजारा, खुले आसमान, नीचे में पूरा गंगा नदी। बरहमपुर, ये बरहमपुर सिटी में आया था, तो बरहमपुर में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ का जगह देखिए, पार्क वर्क भी है, तो ये छोटा सिटी है फिर भी मतलब अच्छा है। तो आप बोल सकते हैं कि कलकत्ता का डुप्लीकेट सिटी, सेम टू सेम। अब मेरा होटल सामने में है, तो मैं अभी होटल के सामने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता रहूँगा अगर मेरा ब्लॉग में अच्छे से बना, ठीक है, क्या क्या होता है, मैंने क्या क्या किया ये सब बरहमपुर में आके। तो मेरे साथ बनते रहिए, मैं दिखाता रहूँगा। अब मेरा होटल भी आने वाला, मैं होटल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा लॉज, मेरा होटल आ गया, मैं जहाँ पर था मैं आ गया। ये होटल है मेरा, और तो जाना पड़ेगा। ये ऊपर का नजारा है, ट्रेन से ऊपर देखने को मैं ऐसा दिखता है, ये पूरा ये जो है ना आपका लाल डी, पूरा लाल डिगी होता है इसको, ये एक पार्क। तो हम लोग ट्रेन से भी ऊपर किया, इसमें देखने को अच्छा दिखता है। डेकोरेशन भी अच्छा है ना अमित, डेकोरेशन मेरे को अच्छा लगा। चलिए मैं आप लोग मेरे दोस्त से भी मिलवाता हूँ। ये रहा अमीर और ये रहा सौरभ। सौरभ खाना खा रहा है अभी, तो खाना गए तो चलो खाओ। थाली, क्या थाली बोलता है इसको, वेज थाली। चिकन कैसे आ गया तब से, और ये बरहमपुर का बस स्टैंड है। यहाँ पर काफी भीड़ रहता है, ऐसे कलकत्ता के लिए और सिलगुड़ी के लिए, और ये मालदा और हाईकॉन्स जितना भी है बालूघाट के लिए यहाँ पर से मिलता है। तो देख लीजिए बस स्टैंड यहाँ पर ही, ये बस मैं भी बस में बैठ गया, अपलोड रहा हूँ।